एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया हो। बढ़िया नहीं, जल्द से बढ़िया हो जाइए। आपके भाई का व्लॉग आ रहा है, मुझे पता है यार। आज लगभग ना मुझे व्लॉग डाले हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता यार इतना डिले हो। ठीक है, तो सच बताना किस किस को वेट था मेरे व्लॉग का। तो बाकी अभी का पहले आपको मौसम चेक कराते हैं। मौसम जो है ना वो काफ़ी बढ़िया वाला है भाई। मौसम चेक मारे यार, धूप है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, धूप है बट सही है, मौसम क्लियर है आज। कल क्या था, कल बारिश का पूरा मोड़ था बट आज वो नहीं है। तो बाकी अभी मैं काफ़ी लेट उठूँ, 9 बज गए, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। तो नहाने के बाद आज का व्लॉग की शुरुआत भी होगी अच्छी तरह और दिन की शुरुआत भी। बाकी बने रहिए और देखते रहिए अपना भाई का व्लॉग, और जो चैनल पर नए जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये मेरी पहली ड्यूटी ये होती है, ये 2 फुलके, एक जो है वो चिड़ियों को डालना है और दूसरा जो है गाँव माता को खिलाना। अभी देखिए कितनी चिड़ियाँ आती है, देखना बाकी मौसम आज का जो है वो काफ़ी बढ़िया है। ये जो फुलका है ये मैंने खिला रहा है गौ माता को जी। हाँ जी, आराम से आराम से आराम से। जय हो, क्या हाल चाल है, ठीक हो? अभी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, 2 फुलके साथ में न्यूट्री और 1 कटोरी दही की। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, और साथ में ना मेरी थोड़ी आज डाइटिंग वाइटिंग भी चल रही है। ठीक है, व्लॉग बन रहा है ना, वो देख व्लॉग, देखा बच्चे चला के। ओ भाई, ओए ओए बच्चा व्लॉग बन रहा है, वो देखो ना। तो मैं इसको चुप करा रहा था, कुछ उधर देख, उधर देख, पहले स्माइल दे, स्माइल दे, स्माइल दे ना। तो ये अभी चुप हो चुका है, डर 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 ना, रोना नहीं। ओए ओए ओए, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है भाई। वो देख कैमरे में, वो देख, वो देख, हाय हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। तो अभी इसको भूख लगी, इसको मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ। घर चले, घर चले, घर चले। ओह बस 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 बस। तो सबसे मुश्किल काम यही है एक बच्चे को चुप कराना, और मैंने इसको चुप करा दिया है। अभी खुश हो रही है, अभी खुश हो रही है, उधर देख ना। हाँ जी, तो अभी हो चुका है खाने का टाइम। राजमा की दाल, ये आलू की सब्जी, मुझे नाम नहीं पता क्या है इसका, और ये साग और ये चावल। तो चलिए खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खा के मैंने निकलना है पुंछ। अगर उन्होंने एक अर्जेंट काम बोल दिया, वो बस खाना खा के निकलता हूँ, फिर आगे की आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका था पुंछ, और भाई अपने साथ आ चुके हैं एक बार फिर से। रमन जी, क्या हालत हो ना? कैसे हो? ठीक हो? फर्स्ट क्लास। तो मैं जब भी आता हूँ यार पुंछ में, ये तो डेफिनेटली है कि भाई मैंने रमन जी से मिलना होता है ना। रमन जी भाई प्यार, दिल से प्यार है, क्योंकि भाई रमन जी हर बार बोलते हैं उत्कर भाई अब रहते बड़े बिजी हो, कभी पुंछ कभी मेंढर कभी जम्मू में से। नहीं यार, पुंछ में जब भी आना है अपने रमन भैया को मिलकर चलना है। बाकी अभी हम एक स्कूटी की छोटी सी राइड ले रहे हैं, तो जब भी फ्री होते हैं उसके बाद का दिखाते हैं आपको क्या सीट रहता है भाई। तो आपको पता है जैसे IPL भी स्टार्ट हो चुकी है, आज है मैच किसका? दिल्ली और पंजाब का। मैं फैन हूँ भाई RCB का, सही बताऊँ तो। कल जो मैच हो गया और RCB कल हार चुकी है ना। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे भैया के पास गन्ने का जूस पीने। रमन जी बड़े खुश हो रहे हैं, है महाराज? तो अभी आ रहा है हमारे लिए, आ गया जी एक कप जूस का। तो रमन जी हमारी स्ट्रीक बना, रमन जी ठीक है, तू पहले मतलब ठीक है, भेज रहे लोगों के ना जरूरी होती है। बाकी आ गया जी अपना जूस दिखाया ना, बाकी छोड़िए यार पहले पी लेते हैं स्टीके, स्टीके बाद में। आप, मैं वही कह रहा था आपको स्टीके बाद में बनाना। आप अभी भी आया हूँ रमन जी के साथ एयरफील्ड वाली साइड। रमन जी अपनी स्ट्रीके बनाने में इतने बिजी है, मैं बता नहीं सकता यार आपको। और ये जो जगह मिली है हमें, ये सच में भाई इतनी मस्त वाली जगह है ना, और यहाँ पे मतलब इतनी ठंडी जगह है पुंछ में। आप जहाँ भी घूमोगे ना गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है, जैकेट में पहन के तो आ गया, बट मैं सोच रहा हूँ उत्कर शर्मा नहीं यार टी शर्ट ही ठीक थी। तो बाकी यार अभी एक दो काम है वो निपटाने। रमन जी लग रहा है कुछ काफ़ी ज़्यादा बिजी है। रमन जी हो गई अभी स्टीके वगैरह बनी है? क्योंकि रमन जी अगर मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए बनाता हूँ तो ये भाई जो है ना हमारा ये स्टीके बनाता है ज़्यादातर। तो बाकी चलिए देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। और अभी बच चुके हैं शाम के 5 और मेरे काम काज हो चुका है ख़त्म। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई पुंछ से अब घर वाली साइड निकला जाए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है ना। लगभग मैं मतलब 2:30 बजे घर से निकला था, पर घर वाले भी ना फ़ोन करके बार बार बोले कहाँ पहुँचे भाई आ जा घर। तो बाकी आज है 23, तो 25 को है भाई होली, 25 तारीख को होली है। और इस बार जो होली है वो मैं जलास में बना रहा हूँ यार। लास्ट ईयर में भी तो जलास में ही था यार, क्या मुझे इतना जल्दी भूल जाता है। तो इस बार की होली काफ़ी बढ़िया रहने वाली। तो बाकी यार
मौसम ऐसा ही रहना चाहिए यार। होली में बारिश हो मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल, बस होली में ना धूप होनी चाहिए, क्योंकि धूप में होली खेलने का मज़ा कुछ नेक्स्ट लेवल होता है। बाकी ये जो आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा है भाई, ये है पुंछ फोर्ट, पर अभी हम सोच रहे हैं अपनी स्कूटी में डलवाया जाए पेट्रोल, तो फिर निकला जाए घर वाली साइड। तो चलिए डलवाते हैं यार पेट्रोल इसमें, है ना। और एक इसकी भाई किसी भी खाई खाई ना तेल, अरे रजी नहीं है ना, डेली आना इसी 100-150 तेल तक पाना ही पाना। और तेल का रेट थोड़ा सा कम हो गया भैया, कितना हो गया अब पेट्रोल? 98.58, पहले कितना था? 100, पहले 100 था, 2 रुपये कम हो गया यार। चलो मोदी जिंदाबाद है भैया, ये लो 100 कर दो। तो बाकी अभी हम डलवाते हैं इसमें पेट्रोल। भैया यार ये इस गाड़ी एवरेज नहीं है यार, माइलेज बिल्कुल नहीं दे रही है, खाया जा रही है बस खाया जा रही है, फ़ायदा कुछ नहीं दे रही है यार, है ना। ऐसी गाड़ी होनी चाहिए ना जो फ़ायदा भी दे बंदे को, है ना, कमा के दे यार। और अभी बज चुके हैं रात के 7 बज चुके हैं अभी तक, तो मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में, क्योंकि भाई आज है शनिवार और हर शनिवार को ना मैं पीपल के पेड़ के नीचे वो जो क्या बोलते हैं उसको दिया जलाता हूँ, क्योंकि पंडित जी ने बोला भाई इस समय ना तेरा शनि थोड़ा भारी चल रहा है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ मंदिर। पहले हम जलाते हैं दिया। तो अभी मंदिर से ना जो जगह के मैं आ चुका हूँ बाहर, तो अभी हम जा रहे हैं घर वाली साइड। आज का दिन मेरा काफ़ी बढ़िया गया है सच में, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा धार्मिक है, बट आता हूँ यार मंदिर में इतने, ये नहीं बोलता भाई हफ्ते में 7 दिन आता हूँ मैं मंदिर, बट मुझे जब भी टाइम मिलता है भगवान को याद करने का, ठीक है। कहते हैं कि मंदिर मन के अंदर, तो आगे आप समझदार हो समझ सकते हो। और हाँ ये जो दिन गए ना 4-5 दिन, इन दिनों में इतना ज़्यादा बिजी था सच में, मुझे टाइम ही नहीं मिला मतलब व्लॉग बनाने का यार। ये आज 5 दिन बाद मेरा ये व्लॉग आएगा यूट्यूब पे। कि आपको मैं बताता चलूँ, ये हमारे जलास में एक नया गुरुद्वारा बना है, अभी तक पूरी मतलब पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं भाई इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना ये सच में। अभी कुछ है यहाँ पे फर्श वगैरह डालने के लिए और ऊपर का कुछ काम है, बट ये जो गुरुद्वारा है ना ये मैं कह रहा हूँ भाई पूंछ के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नगाली साहब वाला काफ़ी बड़ा है, बट ये आप देख सकते हैं यार, अंदर तो मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि ना वहाँ का गेट बंद किया गया है और अभी तक मतलब काम वगैरह थोड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बाकी जिस दिन ये कम्प्लीट हुआ यहाँ का भी एक आपको बढ़िया सा व्लॉग लाएंगे, दिखाएंगे पक्का। तो बाकी अभी आप फिलहाल यहाँ से देखिए बाहर से जी। तो बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको बढ़िया लगा होगा, बढ़िया नहीं भी लगा तो इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार देंगे जितना मेरे हर एक व्लॉग में आप देते हो। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्यारे से क्यूट से व्लॉग के साथ, तो जो चैनल पर नए जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करें और हाँ सपोर्ट करना ना भूलेगा जैसे कि आप करते हो भाई, ठीक है। मुझे पता है आप सबकी सपोर्ट जो है वो अभी तक मुझे मोटिवेट करती जा रही है दिन ब दिन, ठीक है। मैं ब्लॉग बनाऊं और पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं कंटिन्यू रहूं। तो बाकी लव यू ऑल, तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो दीजिए मुझे भी इजाज़त और आप सबको भी इजाज़त। तो ठीक है मिलते हैं पूजा, बाय बाय, टेक केयर।